हे गाइस, तो जैसा कि आपने अब तक देख रखा होगा कि फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी वेबसाइट्स जो हैं आपको बैक टू बैक कुछ नए नए सेल्स लेकर के आते हैं और आपको भारी भरकम डिस्काउंट देखने को मिल जाता है कुछ अच्छे खासे प्रोडक्ट पे, और कुछ एक्सक्लूसिवली प्रोडक्ट भी देखने को मिल जाते हैं इनके वेबसाइट पे जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। बट अब आने वाले समय में आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा इनके वेबसाइट्स पे, क्योंकि यहाँ पे अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए रूल्स को निकाल करके लाके सामने रख दिए हैं जो कि आपको फरवरी 2019 से बिल्कुल से लागू हो जाएंगे इंडियन मार्केट के लिए। तो ऐसे में क्या है कि अब जो भी प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑफलाइन मार्केट में, सिमिलर से आपको प्राइस के साथ में वही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मार्केट में भी देखने को मिलेगा। कैसे ये चीज अच्छी तरीके से काम करेगी और किस तरह के यहाँ पे चेंजेस आएंगे, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो जाएं। चलिए इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देख रखा होगा कि कोई प्रोडक्ट आपको ऑफलाइन मार्केट में, जो एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी ऑफलाइन मार्केट में कोई प्रोडक्ट आपको 20 रुपए का मिल रहा है, तो ऑनलाइन मार्केट में आपको वही प्रोडक्ट या तो आपको 15 रुपीज या फिर आपको 10 रुपीज तक में भी मिल जाता था देखने को, और आप इजिली वहां से बाय कर लेते थे। बट अब क्या है कि अब आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अब आपको डिस्काउंट्स इसलिए देखने को नहीं मिलेंगे कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे अब नया रूल स्टार्ट कर दिया है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांड्स जो है वो अगर कोई भी प्रोडक्ट को अगर सेल कर रही है तो अपने ऑफलाइन मार्केट में भी उसी प्राइस पे सेल करेगी और ऑनलाइन मार्केट में भी उसी प्राइस पे सेल करना होगा उस ब्रांड को। पहले क्या होता था कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी या अमेजोन जैसी कंपनी ब्रांड से क्या है ह्यूज अमाउंट में, काफी ज्यादा अमाउंट में उस प्रोडक्ट को उनसे बाय कर लेती थी, तो वहां पे ब्रांड्स भी काफी अच्छे खासे डिस्काउंट उनको दे देते थे, फिर वो वहां से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को काफी अच्छे डिस्काउंट ऑफर में सेल करता था। बट अब यहाँ पे क्या है कि चेंजेस ये होंगे कि ऑफलाइन मार्केट के जितने भी डीलर्स थे उनका कंप्लेन हुआ करता था कि उनके प्रोडक्ट्स जो है सेल हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो ऐसे में कुछ नया कुछ यहाँ पे लाना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट भी बिल्कुल से जिंदा रह सके और अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर रन कर सके। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने ये चीज़ यहाँ पर लागू कर दिया है, तो अब कोई भी ब्रांड जो है वो ब्रांड अपने प्रोडक्ट जिस रेट में आपको ऑफलाइन मार्केट में शेयर करेगी उसी रेट में आपको ऑनलाइन मार्केट में भी शेयर करना होगा। तो ऐसे में आपको डिफरेंसेस अब देखने को मिलेंगे वो बिल्कुल से माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, और यहां तक आपको हो सकता है कि आपको जो फ्लिपकार्ट पे यहां पे कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शंस देखने को मिलते थे, फ्री डिलीवरी देखने को मिलते थे, यहां पे ये तक हो सकता है कि आपको जो फ्री डिलीवरी के ऑप्शंस हुआ करते थे वो ज्यादा कॉस्टली कर दिए जाएंगे या फिर फ्री डिलीवरी को बंद कर दिया जाएगा, आपको डिलीवरी के कुछ चार्जेस भी यहां पे आपको पे करने होंगे। तो यहां पे आपको डायरेक्टली तो यहां पे कंज्यूमर्स का थोड़ा बहुत नुकसान है, बट इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो बिल्कुल से आपको बेनिफिट भी होने वाला है इसके अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ यहां पे आपको एक चीज फायदा ये भी मिल जाएगा कि जैसे कोई भी स्मार्टफोन की मैं बात करता हूं कि एक्सक्लूसिवली आपको देखने को मिलता था फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न जैसी वेबसाइट पे, आप उसे मार्केट से नहीं परचेज कर सकते थे और वो मार्केट तक आता भी नहीं था। ऐसे में अब क्या है कि अब कंपनीज को कोई भी प्रोडक्ट अगर वो लॉन्च करती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ 25% शेयर ही ऑनलाइन मार्केट में वो दे सकती है, या फिर किसी एक ब्रांड के साथ में आप टाई अप कर सकते हैं कि आपके 25% जो शेयर है या फिर 25% जो आपके प्रोडक्ट है वही उस वेबसाइट पे बिकेंगे और बाकी के जो 75% वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे शेयर करना होगा। जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि एक स्मार्टफोन ब्रांड ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया है और उसे फ्लिपकार्ट पे टाई अप कर रखा है, तो फ्लिपकार्ट पे सिर्फ और सिर्फ उसके 25% प्रोडक्ट ही बिकेंगे, बाकी के 75% में आप ब्रांड को सोचना होगा कि वो बाकी के 75% वो कहां कहां पे सेल करते हैं। ऐसे में आपको सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा ऑफलाइन मार्केट का, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपको अवेलेबल है आज के टाइम में, तो वहां पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि एक स्मार्टफोन अगर लॉन्च होता है तो उसका 25% शेयर जाएगा फ्लिपकार्ट के पास, 25% जाएगा अमेजोन के पास, 25% जाएगा पेटीएम मॉल के पास, और बाकी के 25% या 50% जो भी बच जाते हैं वो आपको ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या है कि अब जो है बिल्कुल से एक मेजोरिटी बनी हुई रहेगी ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन मार्केट में, और जितने भी आपको सेल्स के डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिलते थे वो तो आपके मन में क्लियर हो ही गया होगा कि अब आपको ब्रांड्स जो है जितने भी ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट सेल करते थे वो डिफरेंट प्राइस पे सेल करते थे, मतलब ऑफलाइन मार्केट में कुछ और प्राइस पे दिया जाता था रिटेलर्स को, और जो ऑनलाइन मार्केट है वहां पे अलग रिटेलर प्राइस को दिया जाता था उन लोगों को ऑनलाइन मार्केट में सेल करने के लिए। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब जो भी ब्रांड कोई भी प्रोडक्ट अगर डेवलप कर रही है तो सेम रेट उसका वहां पे भी रहेगा आपके ऑफलाइन मार्केट के लिए भी और ऑनलाइन मार्केट के लिए भी। तो अब आपको आने वाले दिनों में फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की तरफ से कोई बड़ी बड़ी डिस्काउंट वाले ऑफर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कोई सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे। मे भी हो सकता है कि आपको कुछ सेल्स देखने को मिले बट वहां पे कुछ आपको माइनर से चेंजेस देखने को मिले, मेजर से
डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, कुछ 19-20 का फर्क होगा, बट आपको जो ह्यूज डिस्काउंट देखने को मिलता था कि 500 का प्रोडक्ट आपको सिर्फ 200 रुपए में मिल रहा है ऑनलाइन मार्केट में, बट ऐसा अब आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आई होप गाइस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा, साथ में अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके इस इन्फॉर्मेशन को जरूर उन तक पहुंचाइएगा कि क्या कुछ आपको नया देखने को मिलने वाला है आने वाले फरवरी 2019 से। उम्मीद करता है वीडियो पसंद आया है। ऐसे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे रोजाना देखने को मिलते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन को भी कनेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोज के साथ में, जाते जाते गुड बाय एंड टेक केयर।